नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास और आज हमारे साथ भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी हैं। इनसे आज जानेंगे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है विधानसभा चुनावों का, उसे उसे सियासी सत्ता पूरा गम लोगों ने गर्म माहौल चला। इसी के साथ मैं हमारे साथ भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी हैं, तो आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है जी। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम था गाजीपुर जनपद में, किस परिपथ से क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? देखिए, आज ये सैदपुर में कार्यक्रम था भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित, ये कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम हमारे निरंतर पूरे 75 जिलों में चल रहे हैं और इस महीने में तो एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन कार्यक्रम न लगा हो। आज यहाँ कार्यक्रम किया, कल आपके आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे, परसों आपके जो है चंदौली में कार्यक्रम करेंगे, नरसों आपके बनारस में फिर कार्यक्रम करेंगे। तो ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम इस प्रकार के कार्यक्रम करके उत्तर प्रदेश से 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का खदेड़ा करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा था जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ एक नारा दिया गया था, खेला होवे, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे, भाजपा को भगाकर उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा और सपा गठबंधन की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं, जिसमें प्रजापति, पाल, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नटमुचाण, कुजाड़, खटिक, डोमपासी, जो आज़ादी के 74 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके जाति के नेता केवल वोट डलवाने का काम करते हैं, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो हिस्सेदारी नहीं देते हैं, उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा लखनऊ में संजय निषाद जी ने रैली किया जी, अमित शाह जी आए, आरक्षण के नाम पर उन्होंने अपने जाति के लोगों को बुलाया लेकिन आरक्षण का घोषणा नहीं हुई। निषाद समाज भी इस समय बिल्कुल उग्र स्वभाव में है, इस समय वो भी गुस्से में है और वहीं जगह कितनी कुर्सियां तोड़ी गई, हजारों कुर्सियां तोड़ी गई और ये संकेत देकर आए हैं कि 2022 में भाजपा को नकारने का काम किया जाएगा, भाजपा खत्म। हम लोगों ने एक नारा दिया है कि जब तक उत्तर प्रदेश में जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। संजय निषाद जी से आप लोगों की भी बातचीत चल रही है क्या? देखा भाई, राजनीति है, नेता दुई मुहिया सांप होते हैं, वो टीवी पर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं। हम तो कह रहे हैं, हम लोग तो खुल्लम खुल्ला न्योता दे रहे हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर संजय निषाद भी लड़ रहे हैं। और डॉक्टर संजय निषाद ने तो टीवी पर भी बोला कि भाई, हम तो एक वकील थे, हमने जज को बुलाया, हमने वहाँ वकालत किया लेकिन जज ने फैसला नहीं सुनाया, तो अभी मनसा बना रहे हैं। अंदा भी तो देखिएगा भाई, पता नहीं क्या क्या होगा। अगर संजय निषाद जी अगर भाजपा में रहते हैं तो फिर आप लोगों का क्या रहेगा, संदेश क्या देंगे उस निषाद समाज के लोगों को? बता दूं, भाजपा एक ऐसी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी कोई झूठी पार्टी है तो उसका नाम बीजेपी है, भारतीय झूठ पार्टी, और देश का सबसे बड़ा कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोई झूठा मुख्यमंत्री है तो उसका नाम योगी है। इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आप लोगों के सामने उदाहरण है, पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन किए, जिन जिन मुद्दों को लेकर गठबंधन के, उसी सरकार में मैं भी था उन्हीं के साथ में, जिन जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने गठबंधन किया, भाजपा ने एक भी लागू नहीं किया। हमने कहा 27% OBC का जो आरक्षण है उसका फायदा एक जाति के लोग ले जा रहे हैं, 22.5% SC ST का जो आरक्षण है उसका फायदा एक जाति के लोग ले जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि उसमें विभाजन करो, 27 में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा का विभाजन करो, 22.5% में SC ST का जो 22.5% आरक्षण है उसमें दलित, अति दलित, महादलित का विभाजन करो, और संख्या के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम करो। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सामाजिक न्याय समिति बनाई गई राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया लेकिन आज तक रिपोर्ट लागू नहीं हुई, रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। हम लोगों ने कहा कि प्रदेश में शराब बंद कर दो, नहीं बंद किया गया। हम लोगों ने कहा कि भाजपा ने कहा था, हमारी तो छोड़ दे, भाजपा ने भी कहा था कि हम 1 से लेकर 16 तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, कहाँ दे रहे हैं। छात्रों की प्रतिपूर्ति पर देख लीजिए, जो लड़के योग्य हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, पिछड़ी जाति के लोगों का छात्रवृत्ति काट लिया गया। इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। इस बार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को भगा कर दिखाएंगे और उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा और सपा गठबंधन की सरकार बनाएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी यहाँ से ऐलान करके गए हैं कि एक मुख्यमंत्री अगर लखनऊ के राजधानी पर बैठेगा तो दूसरा मुख्यमंत्री रसड़ के कार्यालय पर बैठेंगे, तो भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी से हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या करेंगे, किस पद पर रहेंगे? आप उनकी बात को नहीं समझ पाए,
उनके कहने का मतलब ये था कि हम लोग देखो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं और उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। आप उनकी बात को नहीं समझ पाए मुख्यमंत्री जी, प्रमुख महासचिव जी का क्या पता डिप्टी सीएम की बात कर रहे होंगे। देखो भाई, हम लोग तो कह रहे हैं कि अभी देखिए 2022 का चुनाव है, अभी जब हमारा अलायंस नहीं था समाजवादी पार्टी से तो हम लोग कह नहीं रहे थे कि भाई पांच डिप्टी सीएम बनाएंगे जी, और मतलब एक साल में पांच डिप्टी सीएम, अब पांच साल में 25 डिप्टी सीएम बनाएंगे तो क्या दिक्कत है। अगर हमारी जब हमारी सरकार जब बनेगी भागीदारी संकल्प मोर्चा की, उस समय हमारा अलायंस नहीं था इसलिए हम लोगों ने ऐसा कहा, अब अलायंस हुआ है, अब आपको सामने दिखेगा जो होगा। तो समाजवादी से भी कुछ बातचीत होकर के गठबंधन हुआ होगा ना कि इस बार भी पाँच साल में पांच डिप्टी सीएम रहेंगे या अकेले। देखिए भाई, अभी जो हमारा अलायंस हुआ है वो अलायंस इस सवाल को लिया लेकर हुआ है कि प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है इसको ख़त्म किया जाए, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो वंचित हैं उसको ख़त्म किया जाए, उनकी हिस्सेदारी दिया जाए, एक से लेकर 16 तक की शिक्षा जो है गरीबों को मुफ्त दिया जाए, बिजली पानी मुफ्त दिया जाए, 300 यूनिट बिजली अगर सरकार बनती है तो हम लोग फ्री देने का काम करेंगे, हम लोग 27% जो ओबीसी का आरक्षण यानी जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है हम लोग उसे लागू कराना चाहते हैं, हम लोग गरीबों को जो है बिजली पानी मुफ्त देना चाहते हैं, आवास शौचालय पेंशन दवाई के सवाल को लेकर जो गरीब परेशान है हम उसको देना चाहते हैं, हमारे इन सवाल को लेकर हमारा उनका गठबंधन हुआ है और डिप्टी सीएम को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू।